आज नहीं चाचा, बहुत मान है ना तुम्हें तुम्हारे बाप पे, बहुत प्यार करता है ना ये तुमसे। आज मैं इसकी आंखें खोलूंगा। हाँ बिल्कुल, मेरी बात का भरोसा नहीं करना, लेकिन जब ससुराल जाके पछतावा होगा ना कि सारी जिंदगी अपने उस बाप की बात मानी जिसने तुम्हें दरकोर कर दिया है। वो पहले एक बीवी को तलाक दे चुका है, अरे उसे तो अपने दो बच्चों की परवरिश के लिए एक बीवी चाहिए। लड़के वालों ने वादा किया है ना कि वो तुम्हारा बिजनेस सेट करके देंगे। बेटा बेटा दरवाजा खोलो बेटा, किसी की बातों पे आके अपने बाप पे शक मत करो। बेटा दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। बेटा बेटा दरवाजा खोलो। अच्छा तो अब मेरी बेटी मुझ पे शक करेगी? शानी की बड़ी बात खुद से कैसे कर सकता है? अरे सईद पटिया पढ़ाता उसे। सईद अंकल भी इतनी बड़ी बात खुद से नहीं कर सकते। अरे बेटा तुम नहीं जानती उसे, इन्हीं हरकतों की वजह से वो जेल होकर आया है। यहाँ तक कि इन हरकतों की वजह से उसकी माँ और बेटी घर छोड़ के चले गए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हें उसकी बात पे एतबार है, अपने बाप पे नहीं। अच्छा खाए मेरी कसम, बोले के शानी जो बोल के यह सब झूठ है। लेना अब्बा क्यों चुप है? शानी की कही हुई एक भी बात झूठ है ना तो उसका सारा झूठ उसके मुंह पे मार के आऊंगी मैं। बोले चुप क्यों है? मेरी जबान पे यकीन नहीं आ रहा तुम्हें, और मेरी कसम पे यकीन कर लोगी? यकीन आ गया है मुझे अब्बा, मुझे लगता था आप मुझसे बहुत प्यार करते, मुझे तालीम जैसे जेवर से आरासा करते, मुझे बेटी होने का मान देते, कि मैं तो गलत फहमी में थी। आपने तो मेरी तालीम, मेरी काबिलियत से बढ़कर मेरे एतबार और मेरे मान की भी कीमत लगाई है। अरे मेरा बेटा मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मुझे हुआ अगर तुम्हें सच पता चल गया तो तुम सोचोगे तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। मैं मानता हूँ कि रमीश शादीशुदा था, लेकिन शादीशुदा था वो, उसके तलाक हो चुके हैं। उसके दो बच्चे। अरे वो बच्चे बाहर पल गए। वो आपको बिजनेस भी सेट करके दे रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैंने उनसे कुछ भी नहीं मांगा, उन्होंने मुझे खुद ऑफर की थी। समझा बेटा, औरों की बात सुन के अपने बाप के लिए दिल खराब मत कर, तेरा कभी बुरा नहीं चाह सकता।